बीटा तथा गामा फलन, आज बताएंगे बीटा तथा गामा फलन। 0 to infinity e to the power minus x, x to the power n minus 1 dx, इसे कहते हैं गामा फलन। और इसको लिखते हैं गामा एन, इसको गामा एन से दिखाते हैं। 0 to infinity e माइनस एक्स, एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, इसे कहते हैं गामा फलन। जीरो से वन एक्स टू द पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, इसे कहते हैं बीटा फलन। इसको कहते हैं बीटा फलन, या इसको दिखाते हैं बीटा एम एन, वो गामा फलन है और यह है बीटा फलन। गामा वन इज इक्वल टू वन होता है, गामा वन इज इक्वल टू वन। अब हम प्रूव करेंगे, गामा वन इज इक्वल टू वन, यहां एन इज इक्वल टू वन है तो यह हो जाएगा तुम्हारा 0 to infinity e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर जीरो डी एक्स इज इक्वल टू 0 to infinity e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू e माइनस एक्स अपॉन माइनस वन 0 to infinity e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस जीरो अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू 0 - 1 अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू वन। तो गामा वन इज इक्वल टू एन, गामा वन इज इक्वल टू गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन, या इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन होता है। गामा वन बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। अब देखिए जो मूल फार्मूला हमारा है 0 to infinity e माइनस एक्स, एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फार्म में हम उसको रखते हैं। अब आइए देखिए, वन क्वेश्चन का है गामा सिक्स, गामा सिक्स की वैल्यू निकालना है। यह बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल फाइव इज इक्वल टू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इज इक्वल टू 120। गामा सेवन बाई टू, गामा सेवन बाई टू इज इक्वल टू कम से लिखते हैं फाइव बाई टू इंटू थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू
इंटू अंडर रूट पाई इज इक्वल टू 15 अपॉन 8 अंडर रूट पाई। यहाँ की जो संख्या होती है उससे एक कम का क्रम गुणित हम लिखते हैं। गामा माइनस 9/2 माइनस 9/2 गामा एन गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपान साइन एन पाई। गामा एन गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपान साइन एन पाई। माइनस 9/2 एन इज इक्वल टू माइनस फार्मूला है एन इज इक्वल टू यहाँ है माइनस 9/2 एन गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई साइन एन पाई। गामा माइनस 9/2 गामा 1 माइनस माइनस 9/2 तो 9/2 इज इक्वल टू पाई अपान साइन माइनस 9/2 पाई। गामा माइनस 9/2 गामा 11/2 इज इक्वल टू माइनस पाई साइन 9π/2। गामा माइनस 9/2 इज इक्वल टू माइनस पाई साइन 9π/2 इज इक्वल टू साइन π/2 इंटू 1 अपॉन गामा 11/2 साइन π/2 इज इक्वल टू 1 माइनस पाई इंटू 1 अपॉन 9π/2 7π/2 5/2 3/2 1/2 अंडर रूट पाई। पाई से ये पाई कट जाएगा तो माइनस अंडर रूट पाई 32 अपान 945 माइनस 32 अपॉन 945 अंडर रूट पाई। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है कि गामा n इज इक्वल टू होता है n माइनस 1 से लेकर क्रम गुणित 1 तक, तो गामा 6 इज इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल 5, उसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7/2 है, गामा में 7/2 है तो 7/2 में से एक क्रम गुणित हटाते चले जाते हैं तो 5/2 फिर 3/2 1/2 और बाद में हो जाता है जो 1/2 के बाद अंडर रूट पाई, वो हमारा हो गया 15/8 अंडर रूट पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा माइनस 9/2 एन इज इक्वल टू माइनस 9/2। हमारे पास जो फार्मूला है कि गामा एन
गामा वन माइनस एन इज इक्वल टू पाई साइन एन पाई, एन के जगह पर माइनस नाइन बाई टू रखने पर गामा माइनस नाइन बाई टू, गामा वन प्लस नाइन बाई टू इज इक्वल टू पाई अपान साइन माइनस नाइन बाई टू पाई। हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस ऊपर चला जाएगा और साइन नाइन पाई बाई टू, गामा माइनस नाइन बाई टू इज इक्वल टू माइनस पाई साइन पाई बाई टू इंटू वन अपान गामा एलेवन बाई टू। साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू वन, माइनस पाई वन अपान नाइन बाई टू इंटू सेवन बाई टू इंटू फाइव बाई टू इंटू थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू अंडर रूट पाई से पाई कट गया, तो माइनस अंडर रूट पाई इंटू थर्टी टू अपान नाइन हंड्रेड फोर्टी फाइव आर माइनस थर्टी टू अपान नाइन हंड्रेड फोर्टी फाइव अपान अंडर रूट पाई। यह रहा है आपका कंप्लीट सोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गामा माइनस फाइव बाई टू, माइनस फाइव बाई टू, यहाँ एन की वैल्यू है माइनस फाइव बाई टू। फार्मूला हमारा है गामा एन, गामा वन माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपान साइन एन पाई, ठीक है। अभी अभी बताए हैं उसी पर है, तो एन के जगह पर हम लिखेंगे माइनस पाई बाई फाइव बाई टू, तो गामा माइनस फाइव बाई टू गामा वन प्लस फाइव बाई टू इज इक्वल टू पाई अपान साइन माइनस फाइव बाई टू पाई। गामा माइनस फाइव बाई टू गामा सेवन बाई टू इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस पाई साइन फाइव पाई बाई टू, तो गामा माइनस फाइव बाई टू इज इक्वल टू माइनस पाई साइन फाइव पाई बाई टू इंटू गामा सेवन बाई टू, माइनस पाई साइन फाइव बाई टू इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू इंटू फाइव बाई टू इंटू थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू अंडर रूट पाई इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट पाई साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू वन, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू अपॉन फिफ्टीन इज इक्वल टू माइनस एट अपॉन फिफ्टीन अंडर रूट पाई। फिर से देख लीजिए, एन इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू है, तो गामा एन गामा वन माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपान साइन एन पाई, माइनस फाइव बाई टू वन प्लस फाइव बाई टू इज इक्वल टू पाई साइन माइनस फाइव बाई टू पाई, माइनस फाइव बाई टू सेवन पाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा साइन फाइव बाई टू, गामा माइनस फाइव बाई टू इज इक्वल टू माइनस पाई साइन फाइव पाई बाई टू इंटू गामा सेवन बाई टू, साइन फाइव पाई बाई टू इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू वन,
माइनस पाई फाइव बाई टू इंटू थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू अंडर रूट पाई से पाई आ गया, यह हुआ टू इंटू टू इंटू टू एट अपॉन फिफ्टीन अंडर रूट पाई। यह रहा आपका कंप्लीट सोल्यूशन गामा माइनस फाइव बाई टू का। अब देखिए गामा वन बाई टू गामा वन बाई टू, यहां एन इज इक्वल टू है वन बाई टू, एन इज इक्वल टू है वन बाई टू। फार्मूला हमारा है गामा एन गामा वन माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपान साइन एन पाई। गामा वन बाई टू गामा गामा वन माइनस एन वन माइनस वन बाई पाई अपॉन साइन वन बाई टू पाई। गामा वन बाई टू गामा वन बाई टू इज इक्वल टू पाई अपॉन वन इंप्लाइज दैट गामा वन बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। देखिए n के जगह पर 1 बाई टू हमने रख दिया तो n 1 माइनस n 1 माइनस 1 बाई टू इज इक्वल टू गामा 1 बाई टू गामा 1 बाई टू। गामा 1 बाई टू इंटू गामा 1 बाई टू इज इक्वल टू पाई तो गामा 1 बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गामा माइनस 1 बाई टू गामा माइनस वन बाई टू यहाँ एन इज इक्वल टू है वन माइनस वन बाई टू। गामा एन गामा वन माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपान साइन एन पाई। गामा माइनस वन बाई टू गामा वन माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू पाई अपान साइन माइनस वन बाई टू पाई। गामा माइनस वन बाई टू प्लस गामा थ्री बाई टू इज इक्वल टू माइनस पाई साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यह हो जाएगा साइन पाई बाई टू साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू वन यह हुआ माइनस पाई। गामा माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू माइनस पाई अपान गामा थ्री बाई टू इज इक्वल टू माइनस पाई वन बाई टू इंटू अंडर रूट पाई इज इक्वल टू माइनस टू अंडर रूट पाई। देखिए यहाँ एन इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू है। हमारा फार्मूला जो चल रहा है गामा एन गामा वन माइनस एन इज इक्वल टू पाई साइन एन पाई। तो गामा माइनस वन बाई टू गामा वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वन प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन माइनस वन बाई टू पाई। गामा माइनस वन बाई टू इन टू गामा थ्री बाई टू इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस पाई साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू वन। तो गामा माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू माइनस पाई गामा थ्री बाई टू
माइनस पाई अपान वन बाई टू इंटू अंडर रूट पाई इज इक्वल टू टू अंडर रूट पाई। यह रहा है आपका कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ गामा माइनस वन बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू, जीरो से इंफिनिटी एक्स टू द पावर फोर ई माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं, जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन है तो लिख सकते हैं फाइव माइनस वन डी एक्स, और यह बराबर हो जाएगा आपका गामा एन, एन की जगह फाइव है तो गामा फाइव, और गामा फाइव इज इक्वल टू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इज इक्वल टू ट्वेंटी। जो भी क्वेश्चन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने बदला e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस वन, एक्स टू द पावर फोर को हमने लिख दिया एक्स टू द पावर फाइव माइनस वन, यह हो जाएगा गामा फाइव। गामा फाइव इज इक्वल टू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर। जीरो से इन्फिनिटी क्वेश्चन नंबर थ्री, जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस फोर एक्स एक्स टू द पावर सेवन बाई टू डी एक्स। अब देखिए हमारे फार्मूलों में केवल माइनस एक्स है तो हम मान लें कि फोर एक्स इज इक्वल टू टी, लेट माना फोर एक्स इज इक्वल टू टी, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टी बाई फोर, डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपान फोर डी टी। अब हमारा क्वेश्चन बदल जाएगा, देखिए लिमिट भी बदल जाएगी, x इज इक्वल टू जीरो तो t बाई फोर इज इक्वल टू जीरो तो t इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी इंप्लाइज दैट t बाई फोर इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन अब यह हो गया, जीरो से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी, फोर एक्स के जगह पर हमने रख दिया टी, ठीक है। अब आइए डी एक्स के जगह पर वन बाई फोर डी टी है तो वन बाई फोर को यहां ले लिया, यहां हो गया डी टी, एक्स के जगह पर है आपका टी अपान फोर, तो टी अपान फोर पर सेवन बाई टू, या इसको लिख सकते हैं वन बाई फोर इंटू वन अपॉन फोर पर सेवन बाई टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई माइनस टी टी टू द पावर सेवन बाई टू,
7 by 2 को हम लिख सकते हैं 9 by 2 minus 1, 1 upon 4 into 1 upon 4 into 7 by 2 e to the power minus t, t to the power 9 by 2 minus 1 dt. अब देखिए इसका हो जाता है आपका गामा एन, तो गामा 9 by 2, यह हो गया 1 by 4 into 1 upon 4 7 by 2 into gamma 9 by 2 is equal to 7 by 2 into 5 by 2 into 3 by 2 into 1 by 2 into under root pi upon 4 into 4 into 4 into 4 और 4 पर 1 by 2 का हो जाएगा 2. यह हो गया आपका 105 अपॉन 16 इंटू 10 अंडर रूट 5 ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन. देखिए दिए हुए क्वेश्चन को जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस 4 एक्स एक्स टू द पावर 7 बाई 2 डी एक्स. ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हमने क्या किया कि 4 एक्स बराबर टी मान लिया, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टी बाई 4 या dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 4 dt. अब चूंकि माने हैं तो लिमिट भी बदलेगी, यदि x बराबर 0 है तो t अपॉन 4 इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो t बाई 4 इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो लिमिट हो गई हमारी 1 बाई 4 0 से इन्फिनिटी e माइनस टी टी बाई 4 dt 7 by 2 dt. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए, इसको बाहर कर दिया, 0 टू इन्फिनिटी e माइनस t इंटू टी टू द पावर 7 बाई 2 dt. 1 बाई 4 इंटू 1 अपॉन 4 टू द पावर 7 बाई 2 0 टू इन्फिनिटी e माइनस t. 7 बाई 2 को लिख सकते हैं 9 बाई 2 माइनस 1 और यह हो जाएगा गामा, यह 9 बाई 2 7 बाई 2 5 बाई 2 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 अंडर रूट पाई अपान 4 4 इंटू 4 इंटू 4 4 पर 1 बाई 2 का मान 2 हो गया. यह हो गया 105 अंडर रूट 5 अपान 16 इंटू 512 और या 105 अंडर रूट पाई 800 190. यह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड. जीरो से इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन माइनस वन ई टू द पावर माइनस एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर. अब देखिए हमें चाहिए e टू द पावर माइनस एक्स, तो हम क्या करें कि मान लें कि माइनस रहने दें
एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई अपान एच स्क्वायर। यह हमारा बदल जाएगा क्वेश्चन, यहां से एक्स बराबर देखिए वाई पर वन बाई टू अपान एच, और डी एक्स हो जाएगा वन अपान एच है, ये है वन बाई टू वाई पर माइनस वन बाई टू, डी वाई। अब लिमिट भी बदल जाएगी, यहां से देखिए x इज इक्वल टू जीरो तो y इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यह क्वेश्चन हो गया आपका जीरो से इन्फिनिटी। अब x की जगह पर देखिए x की वैल्यू है y अपान y पर 1 बाई टू अपान h, टू दी पावर n माइनस वन, ठीक है। dx की वैल्यू है 1 अपान h 1 बाई टू वाई टू दी पावर माइनस वन बाई टू डीवाई, ई टू दी पावर माइनस वाई, e टू दी पावर माइनस वाई डी वाई। अब आइए देखिए h पर n माइनस वन है तो वन अपॉन h पर n माइनस वन हमने निकाल लिया, h निकाल लिया इंटू h निकाल लिया, टू ले लिया, अब इंटीग्रेशन में हो गया जीरो से इन्फिनिटी y टू दी पावर n माइनस n बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू e टू दी पावर माइनस y dy। वन अपान टू एच टू दी पावर एन जीरो से इन्फिनिटी वाई पर हो जाएगा आपका एन बाई टू माइनस वन ई टू दी पावर माइनस वाई डी वाई। अब देखिए स्टैंडर्ड रूप में हो गया, यहाँ y है यहाँ y हो गया dy हो गया। अब यह बराबर हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 h टू द पावर n गामा n बाई टू,
फिर देखिए यहाँ हम मान लिए कि एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, तो वाई अपान एच स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वाई टू दी पावर वन बाई टू एच, डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपान एच इंटू वन बाई टू वाई माइनस वन बाई टू डी वाई, एक्स इज इक्वल टू जीरो तो वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो वाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी, लिमिट हमारी वही हो गई जीरो टू इन्फिनिटी, वाई पर वन बाई टू अपान एच एन माइनस वन, वन अपान एच इंटू वन बाई टू वाई टू दी पावर माइनस वन बाई टू ई टू दी पावर माइनस वाई डी वाई, वन अपान टू एच टू दी पावर एन माइनस वन इंटू एच, तो टू एच टू दी पावर एन हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी वाई टू दी पावर एन बाई टू माइनस वन बाई टू मिलकर माइनस वन ई टू दी पावर माइनस वाई डी वाई। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म का हो गया तो इसका मान हो गया गामा एन बाई टू और यह है आपका वन अपान टू एच टू दी पावर एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है ठीक है, एक क्वेश्चन बता ले, क्वेश्चन नंबर फाइव, जीरो टू वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन लॉग वन अपॉन एक्स लॉग वन अपान एक्स टू दी पावर एम माइनस वन डी एक्स, एम माइनस वन डी एक्स। अब देखिए लॉग वन अपान एक्स इज इक्वल टू मान ले टी, माना लॉग वन अपान एक्स इज इक्वल टू e to the power t is equal to 1 upon x या x is equal to हो जाएगा e to the power minus t, dx हो जाएगा हमारा minus e to the power t dt, लिमिट बदल जाएगी, देखिए x is equal to है e minus t, x is equal to 0 तो e minus t इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू वन अपान ई टू दी पावर टी इज इक्वल टू जीरो, तो ई टू दी पावर टी इज इक्वल टू वन अपान जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यह रहा आपका इन्फिनिटी, यह लिमिट हो गया इन्फिनिटी। अब रहा एक्स इज इक्वल टू वन रखें e टू द पावर माइनस टी इज इक्वल टू वन, या e टू द पावर वन अपान e टू द पावर टी इज इक्वल टू वन, e टू द पावर टी इज इक्वल टू वन, टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो, यह हो गया जीरो। अब एक्स टू द पावर एन माइनस वन है, एक्स की वैल्यू है ई माइनस टी, ई माइनस टी टू द पावर हो जाएगा एन माइनस वन, यह हो जाएगा लॉग वन अपान एक्स इज इक्वल टू टी माने हैं, तो यह हो जाएगा टी पर एम माइनस वन, डी टी बराबर है आपका
dx बराबर है e माइनस et dt, माइनस को बाहर ले लें तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो e टू द पावर माइनस एन टी प्लस टी टी टू द पावर m माइनस वन इंटू e टू द पावर t dt इज इक्वल टू, इसको चेंज कर दें हम तो जीरो से इन्फिनिटी और टी आकर के यहां जुट जाएगा। यह हो गया आपका e टू द पावर माइनस एन टी, टी टी कट जाएगा, टी टू द पावर एम माइनस वन डी टी। अब यह स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, एन टी को बदल दें हम, लिख दें वाई एन टी, एन टी इज इक्वल टू वाई, तो एन डी टी बराबर डी वाई, या डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई अपान एन। ये हो जाएगा वन अपान एन जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस वाई वाई अपान एन, वाई अपान एन एम माइनस वन डी वाई। अब यह हमारा हो जाएगा एन पर एम माइनस वन बाहर ले आते हैं तो वन अपान एन इंटू एन पर एम माइनस वन, इंटीग्रेशन में हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी ई माइनस वाई इंटू वाई टू द पावर एम माइनस वन डी वाई। अब देखिए इसको लिख सकते हैं वन अपान एन टू द पावर एम गामा एम, यह रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। गामा एम, हाँ देखिए क्वेश्चन आपका यह है कि जीरो टू वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन लॉग वन अपान एक्स एम माइनस वन डी एक्स, माना लॉग ई वन अपान एक्स इज इक्वल टू टी, ई टू द पावर टी इज इक्वल टू वन अपान एक्स, एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टी डी टी, एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी, लिमिट बदल जाएगी तो जीरो इज इक्वल टू ई माइनस टी, ये तो e टू द पावर t इज इक्वल टू जीरो, e t इज इक्वल टू वन अपान जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस t इज इक्वल टू वन, वन अपान e t इज इक्वल टू वन, e t इज इक्वल टू वन, तो लिमिट हो गई इन्फिनिटी टू जीरो e माइनस एन टी प्लस टी, t टू द पावर m माइनस वन e टू द पावर माइनस t dt। dx इज इक्वल टू है e टू द पावर माइनस t dt। अब यह आ गया, हमने निकाल लिया माइनस है तो जीरो टू इन्फिनिटी कर दिया तो e टू द पावर माइनस एन टी टी टू द पावर m माइनस वन, एन टी इज इक्वल टू हमने मान लिया y, एन डी टी इज इक्वल टू डी वाई, डी टी इज इक्वल टू डी वाई अपान एन, तो वन अपान एन जीरो से इन्फिनिटी e माइनस वाई वाई अपान एन एम माइनस वन डी वाई इज इक्वल टू वन अपान एन एन टू द पावर एम माइनस वन जीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस वाई
y to the power m minus 1 dy is equal to 1 upon n to the power m gamma m. यह रहा complete solution. अब हमने देखा किसी भी question को solve करने के लिए उसको standard form में हम बदल ले रहे हैं, और जब standard form में वह बदल जाएगा तब जा करके हमारा question complete होगा. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको. क्वेश्चन नंबर 6. बीटा एम एन इज इक्वल टू होता है बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन. अब इस पर आधारित क्वेश्चन हम आपको अब लगवाएंगे. ठीक है, यहां तक आप तैयार कर डालिए ताकि आगे वाले क्वेश्चन जो हैं बीटा एम एन पर हम बताएंगे. कितना हुआ? 47. 47.